हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी राणा। टुडे आई एम हेयर टू टीच यू चैप्टर 11 ऑफ क्लास 5th। चैप्टर नेम इज़ एयरवेज। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पैरा। सरप्राइजिंगली मैन हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग इन एयर। मैनी एफर्ट्स वर मेड इन पास दो अनसक्सेसफुल, बट ऑल दीज एडेड टू द नॉलेज ऑफ मैन अनदर क्वालिटी ऑफ मैन। आश्चर्यजनक रूप से मनुष्य हमेशा हवा में उड़ने का सपना देखा करता था। पास्ट में बहुत सारे एफर्ट्स भी किए, बट वो सारे एफर्ट्स असफल रहे। यद्यपि सारे प्रयास असफल रहे, बट इनसे नॉलेज भी मिली। ग्रोथ ऑफ एयरवेज इज क्लोजली रिलेटेड विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनल कम्बस्टन इंजन विच इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल्स। इट ऑल्सो नीडेड स्पेशल टेक्निक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरोडायनेमिक्स। एयरवेज की वृद्धि कम्बस्टन इंजन के इन्वेंशन के साथ क्लोजली रिलेटेड है, जिसका यूज़ ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। इसमें वायु गति की को समझने और निर्माण की स्पेशल टेक्निक्स की भी आवश्यकता थी। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयर वॉज मेड बाय विल्बर राइट एंड ऑर्विल राइट। द एरोप्लेन फ्लो फॉर 15 सेकेंड्स ओनली टू अ डिस्टेंस ऑफ 37 मीटर एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर ओनली ऑन किल डेविल हिल ऑन दिसंबर 17, 1903। सबसे पहले हवा में उड़ान के लिए सफल प्रयास विल्बर राइट एंड ऑर्विल राइट द्वारा किए गए। जब एरोप्लेन को उड़ाया गया, तब वह ओनली 15 सेकंड के लिए ही उड़ा था। डिस्टेंस था 37 मीटर एंड हाइट ऑफ 3 मीटर ओनली। दिसंबर 17, 1903 में एरोप्लेन को किल डेविल हिल पर उड़ाया गया था, जो USA में है। द ईयर 1903 इज़ नॉट फार अवे इन हिस्ट्री ऑफ एविएशन, बट द प्रोग्रेस मेड सिंस देन इज स्पेक्टिकुलर। Another milestone in aviation history is the non-stop journey undertaken by Charles Lindbergh across Atlantic Ocean in 1927. History में देखा जाए तो 1903 कोई दूर नहीं है जिसमें सबसे पहले एरोप्लेन को उड़ाया गया था, बट उसके बाद की गई प्रोग्रेस बहुत ही शानदार है। दूसरी बार चार्ल्स लिंडबर्ग ने 1927 में एरोप्लेन को उड़ाया, एंड दैट एरोप्लेन अक्रॉस एटलांटिक ओशियन। नाउ कम शेयर द फर्स्ट जेट इंजन ड्रीवन प्लेन इंट्रोड्यूस्ड इन एयर सर्विस वॉज बोइंग 707 ऑन October 26, 1958। दिस मेड एरोप्लेन्स टू फ्लाई अबव वेदर जोन एट अबाउट 30,000 to 40,000 feet अबव सी लेवल एंड एट अ स्पीड ऑफ 300 to 400 km/h। हवाई सेवा में शुरू किया गया पहला बोइंग 707 जेट इंजन October 26, 1958 में उड़ाया गया। इसने एरोप्लेन को लगभग 30,000 से लेकर 40,000 तक मौसम के ऊपर उड़ान भरने के लिए बनाया, और इसकी स्पीड 300 से लेकर 400 तक पर आर थी। इन इंडिया ऑल इम्पोर्टेंट टाउन्स आर कनेक्टेड विद एयर सर्विस। एयर इंडिया इज अवर इंटरनेशनल एयरलाइन। ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटीज अलोंग विद सम ऑफ द कैपिटल सिटीज ऑफ वेरियस स्टेट्स आर ऑन द मैप ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइंस। इंडिया में सभी इम्पोर्टेंट टाउन्स को एयर सर्विस के लिए कनेक्ट किया गया है। एयर इंडिया हमारी इंटरनेशनल एयरलाइन है, जो कि दूसरे देशों को भारत से कनेक्ट करती है। ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के साथ साथ अदर स्टेट्स की कैपिटल्स को भी इंटरनेशनल एयरलाइन जोड़ती है। नेक्स्ट इज द एयर रूट्स आर बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका आर वेरी बिजी। सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिजीएस्ट एयरपोर्ट्स आर हीथ्रो, डीगॉल, कैनेडी एंड चेंगी। वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच का एयर रूट बहुत बिजी रहता है। नाउ आई एम टेलिंग द वर्ल्ड्स बिजीएस्ट एयरपोर्ट्स। दीज आर हीथ्रो, जो लंदन में है, डी गोल पेरिस में है, कैनेडी न्यूयॉर्क में है, एंड चेंगी जो सिंगापुर में है। लुक एट द लास्ट पैरा। व्हेन वी थिंक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम आर क्लोज नीट एंड ऑल ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ सक्सेसफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। These cannot be separated from each other, though priorities and dominance of one over other will depend on geographical and economic factors. जब हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचते हैं, ये सभी मोड्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं और ये सभी वर्ल्ड की आर्थिक सफलता का एक पार्ट हैं। These cannot be separated from each other. हालांकि priorities and dominance depend करती है geographical and economical factors पर। Now look at the exercise of this chapter. Here is complete the sentences. First is
द फर्स्ट जेट ड्रीवन एरोप्लेन सर्विसेज वॉज डैश इन अक्टूबर 26, 1958। आंसर इज बोइंग 707। देन सेकेंड, दीज डेज एरोप्लेन्स फ्लाई अबव डैश 3000 फिट। आंसर इज वेदर जोन। थर्ड वन इज इन इंडिया ऑल इम्पोर्टेंट टाउन्स आर कनेक्टेड विद एयर सर्विसेज। दिस इज द आंसर, एयर सर्विस। लास्ट वन इज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स आर हीथ्रो, डी गॉल, कैनेडी एंड चेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट्स। इज हेलीकॉप्टर सर्विस इज अ पार्ट ऑफ एयरवेज। आंसर इज ट्रू। पीपल प्रीफर टू ट्रेवल बाय एन एरोप्लेन बिकॉज इट सेव्स देयर टाइम्स ऑफ जर्नी। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर इंटरलिंक्ड। आंसर इज ट्रू। लास्ट वन इज एयरप्लेन इज एन इन्वेंशन ऑफ राइट ब्रदर्स। आंसर इज ट्रू। सो दैट वॉज योर ऑल चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।